स्टूडेंट, हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें हम लोग टीथ पढ़ रहे थे। तो टीथ का जो एक पॉइंट छूट गया था, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो द वाइट पार्ट ऑफ आवर टीथ इज इनेमल, जो आपको वाइट पार्ट दिखता है टीथ का उसे इनेमल कहते हैं, और जो इनेमल होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे शरीर में हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल। ठीक, तो टीथ का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आज आप पढ़ेंगे टंग। आज हम लोग टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं टंग। आप यहाँ पर टंग का पिक्चर भी डायग्राम भी देख रहे होंगे, तो टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टंग होता, तो आज हम ये टॉपिक टंग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो टंग के बारे में थोड़ा नोट कीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा। इट इज द मस्कुलर आर्गन विच हेल्प इन रोलिंग एंड मिक्सिंग द फूड। हाँ, तो जो आप फूड इंटेक कर रहे हैं, ये जो टंग होता है उसको रोलिंग मतलब उसको मतलब मिक्स करने में जो हेल्प करता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है, जो टंग है वो हायर्ड बोन, एक हायर्ड बोन होती है हमारे यहाँ पर लोकेट होती है, और ये ध्यान दीजिएगा कि जो हायर्ड बोन होती है वो ऐसी बोन है हमारे बॉडी में जो किसी से कनेक्ट नहीं होती है। तो आप जब स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा उसके बारे में, फिलहाल के लिए इतना जानिए जो टंग हो वो कनेक्टेड है हायर्ड बोन के साथ, हायर्ड बोन के साथ में। ठीक, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब टंग ऊपर करते हैं, जैसे कि ऊपर करके दिखाई, तो ऐसे जब करते हैं तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जो टंग को होल्ड किया आगे से, तो आप देखेंगे उसको कहते हैं फ्रेनम। तो टंग कनेक्ट विथ एंटीरियर साइड ऑफ माउथ इज कॉल्ड फ्रेनम। तो ये वाला ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फ्रेनम लिखा है यहां पर, ये वो स्ट्रक्चर है जो आपके जो टंग है उसको आपके मुंह के एंटीरियर पार्ट से कनेक्ट करता है। ठीक, तो यहां पर हाँ, तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टंग। टंग हिस्टोलॉजी मतलब होता है कि आप जब टिश्यू का स्ट्रक्चर मतलब डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये होता है हिस्टोलॉजी। ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो आज हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ टंग पढ़ेंगे। तो इसमें मैं पॉइंट नोट कर रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले जो टंग इज कवर्ड बाई ए पिंक टिश्यू नोन एज म्यूकस। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो टंग के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे पिंक टिश्यू से बना हुआ होता है, उसे म्यूकस कहते हैं। जैसे कि सबसे अपर पार्ट, टंग का जो सबसे अपर पार्ट होता है उसे हम लोग म्यूकस कहते हैं। ठीक, हाँ, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, म्यूकस ऑफ टंग कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। हाँ, तो जो म्यूकस के ऊपर जो बहुत सारे प्रोजेक्शन मतलब एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो मतलब रहता है उसे हम लोग पैपिले कहते हैं। अब पैपिले के बारे में आगे जानते हैं,
और ये जो पैपले होता है वो टंग को रफ अपीयरेंस देता है, मतलब टंग थोड़ी खुरदरी दिखाई देती है, तो ये पैपले की ही वजह से होता है। ठीक, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इसको मिटा दें। यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि द रफ अपीयरेंस, द रफ अपीयरेंस ऑफ टंग इज ड्यू टू पैपले। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसी पैपले में आपके टेस्ट रिसेप्टर रहते हैं, ठीक, जो कि मैसेज भेजते हैं आपके ब्रेन को, वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब यहाँ पर अब आपको न्यू टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पैपले। पैपले भी बहुत से टाइप के होते हैं, तो आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैपले। यहाँ पर लिख रहे हैं, आप नोट कीजिएगा। पहला तो होता है फिलीफॉर्म पैपले। दूसरा होता है फंजीफॉर्म। तीसरा होता है सर्कमवैलेट। और चौथा होता है फोलिएट। देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको, यह केवल पैपले याद रखना है कि टंग में जो होता है पैपले होता है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, आपके 11th में भी काम आ जाएगा ये, ताकि आपको बाद में बाद में दिक्कत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं, एक एक का फंक्शन देखते हैं, कहाँ लोकेशन है, क्या काम है, इसको देखते हैं। ठीक, तो जो फिलीफॉर्म पैपले होता है ये बहुत मोस्ट कॉमन इन द सेंस, ये जो टंग पर सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा, इट डजंट कॉन्टेन या कंसिस्ट एनी टेस्ट रिसेप्टर। ये जो टाइप है फिलीफॉर्म, इसमें टेस्ट रिसेप्टर नहीं होते हैं, वही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक, और इनका अपीयरेंस देख लीजिए, किस कलर के होते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक, जैसे आप अभी कभी टंग को अपने देखिए, तो जो व्हाइट कलर का जो पैच बना रहता है ना, ये फिलीफॉर्म पैपले के मतलब कारण होता है। ठीक, अब दूसरा पैपले पढ़ेंगे हम, फंजीफॉर्म पैपले। ये मशरूम लाइक, इसका नाम कैसे पढ़ा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फंजी। जब मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैं आपको फंजी के बारे में बताऊंगा। तो ये जो पैपले होता है एकदम फंजाई के जैसे होता है, इसीलिए हम लोग इसको मशरूम लाइक कहते हैं। ठीक, इसका नाम मशरूम लाइक कैसे पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पर जो फंजी वर्ड लिखा है, मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, तो ये फंजाई शेप में रहता है। ठीक, फंजाई शेप में, इसीलिए इसको मशरूम लाइक कह दिया गया है। अब इसके बारे में और लिखते हैं, ठीक, इस पैपिला में मेन टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक, जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर वर्ड लिखे दे रहा हूँ, रिसेप्टर, जो मेन टेस्ट रिसेप्टर होता है, ये इसी फंजीफॉर्म पैपिला में पाया जाता है। ठीक, और इसके बारे में पॉइंट, हाँ, ये किस कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। जब आप अपनी टंग देखेंगे तो जो रेड कलर का पैच रहता है, प्रोजेक्शन रहता है, वो फंजीफॉर्म पैपिला की वजह से होता है। ठीक, अब तीसरा पैपिला पढ़ते हैं हम लोग, जो कि है सर्कमवैलेट। तो तीसरा है सर्कमवैलेट। आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे कि सर्कमवैलेट कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक, ये होता है सल्कस टर्मिनलिस। जो सल्कस टर्मिनलिस रहता है, वो टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये पार्ट होता है एंटेरियर और ये पार्ट होता है पोस्टेरियर। ओके, और पोस्टेरियर पार्ट में ये भी लिख लीजिएगा कि 1/3 पार्ट होता है और ये होता है 2/3
थर्ड पार्ट जो सल्कस, समझ में आ गया, सल्कस टर्मिनलिस ये टंग को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। और सल्कस टर्मिनलिस के नीचे ही, एकदम नीचे ही हम लोग को सर्कम वायलेट पेपले दिखाई देता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा कि इट लाई एट द बेस ऑफ सल्कस टर्मिनलिस। यहाँ पर बेस पर, बेस थोड़ा गलत है, यहाँ पर लिख दीजिए बिनित, मतलब नीचे। इसमें भी कुछ टेस्ट बर्ड रहते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं टेस्ट बर्ड प्रजेंट। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज बिगेस्ट पैपला, एक बिगेस्ट पैपला इन, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं टंग, मतलब ये साइज में बड़े होते हैं, ठीक। फंजी फॉर्म और फिली फॉर्म से ये बड़े होते हैं सर्कम वैलेट वाले। अब चौथा पैपला है फोलिएट, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे चौथा पैपला फोलिएट, इसके बारे में बताएं कि ये जो फोलिएट होता है वो बेबी के, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें ज़्यादा डेवलप रहता है और एज ग्रो होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके बारे में बस इतना ध्यान रखिए कि वेल डेवलप इन इन्फेंट्स हम न्यूबॉर्न बेबी को कहते हैं, ठीक। और एज ग्रोज दिस पैपला डिसअपीयर। बस इतना आप साइड में जानिए। हाँ, तो जो मैंने अभी बताया, जो पैपले होते हैं उसमें टेस्ट रिसेप्टर रहते हैं, ठीक। यहाँ पर टेस्ट रिसेप्टर ये जो होता है ये एपिथेलियल सेल से बने होते हैं, एपिथेलियल सेल्स से बने रहते हैं, और इनको हम लोग रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं, रिसेप्टर्स सेल्स। अब इसका मैकेनिज्म जानते हैं कि कैसे सिग्नल पहुंचता है ब्रेन पर और वो रिस्पॉन्स करता है टेस्ट के अनुसार। तो आज हम मैकेनिज्म जानेंगे कि कैसे केमिकल सिग्नल जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक। जैसे आपने कोई फूड है आपने मुँह में इंटेक किया, ठीक, तो मुँह में इंटेक करते हैं कि आपके जो रिसेप्टर रहते हैं टेस्ट रिसेप्टर वो हो जाते हैं स्टिमुलेट, और जो आपने मुंह में फूड इंटेक किया है उसके वजह से केमिकल सिग्नल जनरेट होता है। वो केमिकल सिग्नल जो होता है रिसेप्टर के नर्व के द्वारा वो ब्रेन में चला जाता है, ठीक। अब ब्रेन जो होता है उस टेस्ट के रिस्पांस में, आपको टेस्ट का कैसे पता चलना है, मतलब कैसा टेस्ट है, बिटर है, सॉल्टी है, सुगरी है, तो ये आपको पता चल जाता है उसके कारण। हाँ, तो अब हम देखेंगे कौन कौन से टेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, जो मतलब ब्रेन में सिग्नल गया और किस टेस्ट को रिस्पॉन्स करता है, उसके टेस्ट बड्स कहाँ पर होते हैं, ठीक। तो ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ऐसे जैसे ये हो गया टंग, ये एक रफ डायग्राम है टंग का, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ये यहाँ पर सारे टेस्ट के रिसेप्टर रहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये शुगर वाले टेस्ट का, और ये वाला जो पार्ट है ये सौर यानी खट्टे, जो खट्टा टेस्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, और यहाँ पर आपका होता है बिटर टेस्ट का एरिया, बिटर टेस्ट का एरिया। अब आप जैसा फूड लेंगे, जैसे कि आपने साल्टी फूड लिया, तो यहाँ के जो पैपला होंगे, जो रिसेप्टर उसमें होंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और यहीं से केमिकल सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन के पास, और ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा कि आपने साल्टी फूड लिया, ठीक। तो ऐसे पता चलता है कि टेस्ट क्या होता है। अब हम माउथ के मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। तो जो टंग की रूफ होती है, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, द रूफ ऑफ टंग इज नोन एज पैलेट। की पैलेट क्या होता है, आप अपने टंग को लीजिए और ऊपर सरफेस में टच करें, तो जो आपको सरफेस टच होगा उसे कहते हैं पैलेट, ठीक। अब पैलेट के दो पार्ट होते हैं, ये भी देख लेते हैं। पैलेट के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट।
तो आपके जो जो सरफेस का जो पीछे वाला भाग है वो होता है सॉफ्ट। आप टंग को मतलब पीछे ले जाकर सरफेस में टच कराएं तो आपको सॉफ्ट मतलब फील होगा, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा सॉफ्ट पैलेट। और जो हार्ड पैलेट होता है, जो आपका आगे वाला पैलेट होता है उसे कहते हैं हार्ड पैलेट। आप इजिली इसको मतलब टच करके, फिजिकल टच करके अपने टंग से इसको पता लगा सकते हैं कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है। अब इसे लिखे दे रहे हैं, मतलब लोकेशन लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, यहाँ पर ऊपर से मिटाल कर लिखे दे रहे हैं। ठीक, जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है, जो आपका सॉफ्ट पैलेट होता है वो पाया जाता है पोस्टेरियर पार्ट ऑफ रूफ ऑफ टंग। यहाँ पर पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ पीछे। ठीक, यहाँ पर हार्ड पैलेट जो है ये पाया जाता है एंटेरियर पार्ट में। एंटेरियर मतलब होता है आगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ओव्यूला। ओव्यूला क्या होता है, ओव्यूला डिस्कस करेंगे आप। यहाँ पर छोटा सा है, आप देख लीजिए इसको, ओव्यूला। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप अपना मुंह खोलकर देखिए मतलब मिरर में, तो आपको एक लटकता हैंगिंग हुआ मतलब हैंगिंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक, तो जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है, हैंगिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इन पोस्टेरियर पोस्टेरियर पार्ट ऑफ पैलेट, जो पैलेट का सबसे पीछे वाला हिस्सा है, तो वहां पर आपको हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे कहते हैं ओव्यूला। अब इसका काम क्या होता है, ओव्यूला क्यों मतलब डेवलप हुआ हमारे ह्यूमन बींग्स में, तो देखते हैं इसका फंक्शन। यहां पर फंक्शन ऑफ ओव्यूला, हाँ, तो जैसे आप फूड को इंटेक कर रहे हैं और वो कहीं इंटरनल नॉस्ट्रिल के होल में ना चला जाए, इसीलिए मतलब ब्लॉक ना हो जाए नॉस्ट्रिल, इसीलिए जो होता है ओव्यूला स्ट्रक्चर वहाँ पर बना होता है। अब वो कैसे प्रोटेक्ट करता है देखेंगे। जैसे ये ओव्यूला है, देखिएगा आप साइड वाइज इसको इमेजिन कीजिए, ये ओव्यूला है, ये है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, ये होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल और ये है ओव्यूला 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 और यहाँ पर यह दिखा दिया फूड पार्टिकल। अब इसको सॉलो कर रहे हैं, जैसे आप इसोफेगस में, तो यहाँ पर ही जाएगा इससे और इस पर मारेगा फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये जो ओव्यूला है ये हो जाएगा ऊपर, और जैसे ऊपर होगा तो ये ओव्यूला जो है इस इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर देगा ताकि अपर फ्लो ऑफ फूड ना हो पाए। ठीक, तो यहाँ पर यही फंक्शन आपको समझ में आ गया। दोबारा देखिएगा, जैसे ये फूड पार्टिकल है, इसने यहाँ पर इसको मतलब फोर्स किया, अब ये फोर्स की वजह से ये उठ गया ऊपर, और ऊपर उठ जाने की वजह से ये बंद हो गया, यहाँ पर जो है फूड पार्टिकल नीचे चला जाएगा, ऊपर नहीं जाने को पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ओव्यूला प्रिवेंट्स अपर फ्लो ऑफ फूड पार्टिकल्स। अगर ये अपर फ्लो हो गया तो कई केस में डेथ भी हो जाती है, इसीलिए ओव्यूला का स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है। अब पहले बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बक्कल कैविटी वाला जो आपका टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। ठीक, और वैसे भी मतलब आप देख रहे हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें वीडियो में दिया है, तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि जब आप 11th में पहुंचेंगे ना तो थोड़ा साइड में अगर जानेंगे तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक क्या एक मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है 11th, इसीलिए थोड़ा सा मतलब पेरी फेरी में जानिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।